पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए साफ और स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिला जौनपुर रामनगर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर में पिछले 8 वर्ष से शौचालय क्षतिग्रस्त होने के कारण शुभम सहित 209 बच्चों को शौच के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके विद्यालय में क्या समस्या है? शौचालय है लेकिन टूट गया है, उसमें घास जाम में बारिश आता है, उसमें पानी भर जाता है, बाहर जाने में दिक्कत होता है, कीड़े पीछे काटने में दिक्कत हो। मैडम जी शौचालय है, टूटा फूटा जाने के लिए नहीं, दूर जाते हैं, लेकिन धूप कीड़ा पीछे बरसात में दिक्कत होता है। आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? 2 से 12। आपके विद्यालय में शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय उपयुक्त नहीं है। बच्चे शौच के लिए कहाँ जाते हैं? शौच के लिए आगे पीछे जहाँ जगह पाते हैं वहीं जाते हैं। अध्यापिकाएँ हैं उनके लिए भी परेशानी है, सबको परेशानी है। प्रयास किए, कई बार लिख पढ़ करके गया, महीने में भी पहले जाता था शौचालय है कि नहीं है, हम लोग नहीं लिखे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है, क्योंकि हम लोग यहाँ जो है बाथरूम करने के लिए बहुत बहुत बड़ी दिक्कत होती है, समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और यहाँ बच्चियाँ भी हैं, कुछ बड़ी बच्चियाँ भी हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। अगर कभी कभी पेट बिगड़ जाता है तो हम लोग इसे उस दिन विद्यालय आने में और समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी समस्या है कि हम लोग टॉयलेट नहीं कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस विद्यालय का शौचालय जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जिला जौनपुर के BSA का नंबर 94-53-00-41-93 है, इस पर कॉल करके दबाव बनाएं। जौनपुर उत्तर प्रदेश से इंडियन हर्ट्स के लिए।